शॉप के लिए हम तैयार कर लेते हैं सामान। इसके लिए एक प्याज लेंगे, एक टमाटर लेंगे, जीरा लेंगे और ये कुछ पुदीने की पत्तियाँ। इससे हमारा टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। टमाटर कट गया है, प्याज कट गया है हमारा। अब पुदीने की पत्तियाँ भी हो गई हमारी। अब हम घी डालते हैं। वैसे तो ये तूर की दाल के पकने के साथ ही बनती है, लेकिन हमारे पास दाल रखी थी सुबह की, तो हमने उसी दाल के साथ बनाई है। ये मेरी मिक्स दाल थी, तूर मसूर चना उड़द, बस ये मिक्स दाल में हमें बनाने जा रही है। जीरा डालेंगे, साथ में डाल देंगे। ज़्यादा हमें लाल नहीं करना है प्याज को, बस 1/3 ही रखना है। तैयार है हमारी बची हुई दाल से एक अच्छा सा नाश्ता, दाल ढोकली। ये हमारा पुदीना ऊपर से। एक बार बना के ज़रूर देखें। मेरी वीडियो पसंद आती तो आप ज़रूर मेरे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। हम बनाते हैं बची हुई दाल से दाल ढोकली। कैसे बनाते हैं बताते हैं। जैसे बची हुई दाल में पानी डाल के इसको बॉईल करेंगे खूब अच्छे से, और इसी के अंदर हम अपनी ढोकली कटिंग करके इसमें डाल देंगे। 10 मिनट तक पकाएंगे, फिर प्याज जीरा और लाल मिर्ची का इसमें चोक लगाएंगे, फिर अच्छे से खाएंगे। रोटी बना ली है, अब हम कतली स्टाइल में इसको काटेंगे। अब हम इसको दाल में डाल देंगे। देखिए ये पक जाएगी 10 मिनट के अंदर। फिर हम देसी घी का छौंक लगाएंगे जीरा प्याज के साथ में, और थोड़े टमाटर भी डाल देंगे हम। देखिए तैयार हो रही है ये हमारी दाल ढोकली।